वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुबह बखैर गुड मॉर्निंग। एक नई सुबह के साथ, प्यारी सी सुबह के साथ प्यारे से व्लॉग का आगाज़ करते हैं। अभी तो वही पुरानी लाइफ होगी जो चार दिन से आप लोग देख रहे हैं। उठे हैं, नमाज, यूनिफॉर्म प्रेस करेंगे, बच्चों को उठाएंगे, नाश्ता कराएंगे और स्कूल दौड़ाएंगे। असल ज़िंदगी तो उनको स्कूल से आने के बाद शुरू होती है कि फिर पता चलता है कि यार रूटीन में क्या है, काम पे जाना है, काम पे नहीं जाना। लाइफ बड़ी टफ है और ये काफ़ी सोचना पड़ता है करना क्या है क्या नहीं करना। तो बड़ी मेहनत कर रही है। आपकी बहन सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर दें ताकि सब्सक्राइब करें तो बहन को सपोर्ट होगी, बहन का चैनल ग्रो करेगा। उठाते हैं बच्चों को और बैठ जाते हैं। बस बुखार हो रहा है, कल से तबीयत बड़ी डाउन थी, आज फीवर सा हो गया हल्का सा। अभी बच्चों को उठाएंगे, बस फटाफट फिर नाश्ता बनाते हैं उनका, उनको लंच देते हैं, देखते हैं बच्चे आज क्या करते हैं। उठने में हुसैन साहब तो बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बहुत ज़्यादा रूटीन उनकी बहुत ख़राब हो गई। कई बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, पूरा दिन पड़ा हुआ है। अभी मिलते हैं कुछ देर बाद। अरे ये कौन सी सुबह आज गुड मॉर्निंग हो गई भाई प्यारी प्यारी। साहब जो हैं साहबजादे वो आज लटक चुके हैं गोदी में और नींद बहुत ज्यादा आ रही है। इधर तो देख लो, अलाफेस। पर आए तो ये बाजी रो रही थी यहाँ से झांक कर। तो गाइस बच्चे चले गए स्कूल, आयत मेरी रो रही है बहुत ज्यादा। तो बस गाइस अब मैं भी लेटूंगी, सोऊंगी। क्या मम्मा तेरे आपकी याद आ रही थी? क्यों याद आई मेरी? फिर क्या करा स्कूल में जो मेरी याद आई? फिर मैं रोया। क्यों रोए? तब आपकी याद के लिए वो याद आ रही थी। क्या याद आ रहा था? तो ये कौन सी गंदी बातें कर? क्यों बचा लिया? क्योंकि आप सुबह से कुछ भी नहीं खाया हो ना, इसलिए। मैंने कुछ नहीं खाया, मेरे लिए बचा लिया। झूठे। हाँ, तो इसलिए मेरे लिए बचा के लिया है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, सुबह हो चुकी है, मोहम्मद हुसैन स्कूल से आ गए, मोहम्मद हुसैन को देख लिया, निपटा लिया, सारे काम कर लिए, नाश्ता कराते हैं बच्चों को फटाफट, दिशमा का वेट करते हैं, उसके बाद फिर आपसे मुलाकात करते हैं। आगे देखते हैं सामने वाले घर में काम हो रहा है, कहाँ तक पहुँचा कहाँ तक नहीं पहुँचा। आ जाए नाइस कलर एक्टर। दोस्तों पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल, तबीयत हो रही थी ख़राब, हल्का सी चेस्ट में तकलीफ हो रही है, अल्लाह का शुक्र ईसीजी कराई है, हार्ट का प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन जो है पेन किलर वगैरह लगाएं। करिएगा आप लोग सब, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। तकलीफ बहुत ज़्यादा है। गाइस हॉस्पिटल से आ चुके हैं, अम्मी हमारे साथ आई हैं, अम्मी बच्चों को देख रही हैं, किचन देख रही हैं, मेरी हिम्मत नहीं थी, इंजेक्शन वगैरह लगाए, दुआओं में याद रखिएगा। और आयत सो रही है, मैं लेटी में हूँ, अम्मी किचन में खाना बना रही हैं। आयत माँ तो फिर माँ होती है, लेकिन ये होती है माँ जो अपनी सारी तकलीफें भूल के अपनी औलाद के लिए खड़ी हो जाती है। वो मेरे लिए खड़ी हो गई और मैं अपनी सारी तकलीफें भूल के अपनी औलादों के लिए खड़ी हो गई। माँ की जगह मैं कहती हूँ बाप भी नहीं ले सकता, माँ माँ ही होती। अच्छा हमको सिखा रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा था आज मैं गई,
हाँ वाकई में मम्मी बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई थी यार, पता नहीं क्यों हो गई थी मगर हो गई थी। ठंड हो गई थी तुम्हारे सीने को बुरी तरीके से, पर कोल्ड ड्रिंक पीना नहीं छोड़ती ना, इतनी कोल्ड ड्रिंक पी थी तो मिस्टी में उससे हो रहा था। कोल्ड ड्रिंक छोटा नहीं है, याद कर लो। हाँ वो तो ठीक बात कर रही हैं आप, मगर फिर भी गाइस सुनती तो मैं किसी की भी नहीं हूँ, क्या करूँ। तू तबीयत खराब, ऊपर से रक्षे वाले की बकवास, मुझे पीछे से मुक्के मारूं। मेरी इतनी हट रही थी ना, मैंने बोला और मैं इस चक्कर में तुम रोड, मतलब हर किसी को बोलता हुआ जा रहा है ये तुम रोड तक जा नहीं सकती थी, नहीं तो मैं उसको टहराती उसको। मैं तो उतर भी गई थी, आपने बोला बैठ जाओ बैठ जाओ, मुझे गुस्सा इतना आ रहा था उसके ऊपर, क्या बताऊं। पता नहीं कौन सा मतलब वो रक्षे वालों को चूल्हे कितनी करता हुआ जा रहा था। ऐसा हम गए, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने मम्मी को बुला लिया, रक्षे वाले ने कोई इतनी, बस क्या बताऊं, दुनिया में हर किसी के लोग हैं, इतना कोई परेशान किया ना रक्षे वाले ने कि क्या बताएं आपको। और टेंशन में इतनी थी, बच्चों की भी फिक्र, बच्चे दो आ चुके, दो एक बड़ी बड़ा बेटा आ चुका था, बेटी स्कूल में थी, वो तो अच्छा हुआ रिश्मा नीचे मिल गई, उसको मैंने खुद समझा दिया, लेकिन बहुत फर्क पड़ गया मुझे इंजेक्शन से ना। दवाई खाना भी कुछ दवाई खाऊंगी और तुम स्टीम भी दो। इस बाबा जा चुके हैं, अम्मी बना रही हैं खाना। अम्मी क्या बना रही हैं? स्टू। अम्मी बना रही हैं हमारे लिए स्टू, बच्चों के लिए और मेरे लिए। तो बाबा इनको बोल रहे थे घर चलो, मगर इन्होंने बोला नहीं मेरी बेटी की तबीयत खराब है, मैं स्टू बना के जाऊंगी इसके लिए। दोस्तों ये होती है माँ जो अपने बच्चों का इतना ख्याल रखती है। अम्मी आपकी कॉल आ रही है, मेरी बहन की कॉल हो गई, उसको भी चैन नहीं है, उसको भी फिक्र हो गई, फोन पे फोन करे जा रही है क्या हुआ क्या हुआ। बहन भाई होते हैं बस अपने जो आपके काम आते हैं, और कोई भी नहीं आता, बाकी दुनिया का हर रिश्ता सिर्फ दिखावे का है दोस्तों। क्या क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? बात की है, भाई कह रहा है कि तुम्हें लग रहा है कि गैस का प्रॉब्लम हो गया था। क्या पता ऐसा ही हो, ये तो मुझे भी नहीं पता कि गैस थी है क्या थी, लेकिन जो भी था बहुत ज़्यादा तकलीफ थी और बहुत बुरा पेन था, पेन किलर लगने के बाद बहुत ज़्यादा आराम हुआ है। मुझे तो ऐसा लग रहा था आज हो गया मेरी। गाइस अब तो सब्सक्राइब कर दो, बहन मौत के मुंह से वापसी आई है, अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अम्मी इसके नाना को बोल रही है तुम्हारी बड़ी अम्मा कहाँ है? नानू कहाँ गए? बड़ी अम्मा चले गए। अम्मी इससे बोल रही है तुम्हारी बड़ी अम्मा कहाँ है? मेरा बेटा मोहब्बत करते हुए मुझसे मेरी ख्याल कर रहा है, मेरी तीमारदारी कर रहा है, कर तो दबाओ मेरा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो गया बेटा? क्या हो गया भाई? आया मेरा, मेरी तबीयत देखना है। गैस फंस गई। गैस फंस गई बोल रहे, गैस फंस गई नहीं भाई, मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा। नहीं गैस, मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा है। ये अम्मी ने अम्मी हेयर स्प्रे कर दिया पूरे कमरे में, रूम स्प्रे की बदबू से बेहोश होने वाली थी। अम्मी को जल्दी जल्दी के चक्कर में रूम स्प्रे की जगह हेयर स्प्रे पूरे कमरे। क्या ये पोटी? कितनी गंदी बदबू की। तो मेरा दिल नहीं कर रहा चाट खाने का, लेकिन मैं फिर भी खाऊंगी। मेरा भाई इतनी मोहब्बत से लेके आया मेरे लिए, बड़ी इसका फोन आया था, इसने बोला पिया क्या खाओगी, मैंने कहा कुछ अच्छा सा खाने का दिल कर रहा है, चाट लेता हूँ। आ गया बर्गर तो नहीं सकते, कंजूस है ना मामू। वैसे कंजूस है बड़ी बात है, मेरी मोहब्बत में लिया है चाट के। उसको खुद को भूख लग रही होगी जब भी लाया ही है ना मम्मी। मेरा बेटे ने सोचा फ्रूट लाओ लाओ ये ले जाओ, तुम्हारा मुंह अच्छा हो जाएगा जरा। बीमार तो होनी तो वैसे भी तुम्हारी गैस फंसी थी क्या? बीमार तो तुम होनी वैसे भी, गैस ही फंसा था।
गाइस अब ये लोग गैस समझ रहे हैं, लेकिन जिसके तकलीफ होती है वो ही जानता है। जाहिर सी बात है, हम तब बोल ठीक है समरिया सुबह मम्मी ने बनाया स्टू। हम बैठ गए खाना खाने के लिए। अम्मी आपके बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी तबीयत का इतना ख्याल करा। दोस्तों मैं नहीं कर पाती अम्मी का इतना, मैं जो हूँ ना अम्मी की तबीयत खराब होती है, अम्मी का नहीं जा पाती, लेकिन मेरी अम्मी आ गई मेरे लिए। माँ तो फिर माँ होती है ना, क्या करें। मैं बच्चों में इतनी उलझ जाती हूँ, फिर मैं जा नहीं पाती हूँ। मेरे बच्चे करते हैं बहुत ज़्यादा शोर शराबा, तो अम्मी की तबीयत में मैं जाती नहीं हूँ, लेकिन अम्मी कैसे एक आवाज़ में सुबह से आ गई मेरी आवाज़। तो अम्मी जा रही है घर, अम्मी को करते हैं अल्लाह हाफिज़। अच्छा अम्मी अल्लाह हाफिज़। अच्छा भाई अल्लाह हाफिज, अल्लाह की हिफाजत से अमान अल्लाह। तो मैं हुसैन भी बहुत रोना 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 लगा रहे हैं। तो गाइस बच्चों को लिटाते हैं, बच्चों को सुलाते हैं, छोटा व्लॉग है। इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं, दुआ करिएगा तबीयत सेहत रही तो इंशाल्लाह ताला जरूर। वैसे तबीयत सेहत ही अल्लाह का करम है, इंजेक्शन से बहुत फर्क पड़ा है। गाइस अल्लाह हाफिज़। एक मिनट यार प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। बेल आइकन बोल दो घंटा, घंटे को ज़रूर दबा दें ताकि आपके पास घंटे ही बचते रहें। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।